रोहित कुमार अरवर भारतीय सेना में 19 साल से सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होकर अपने गृह नगर सनावत पहुंचे। नगर में उनके स्वागत में रैली निकालकर भव्य स्वागत किया गया। देशभक्ति गीतों पर तिरंगा लहराते हुए उनके नगर आगमन पर नगरवासियों ने भव्य व आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट अल्प प्रवास पर सनावत पधारे। यहाँ उन्होंने रोहित कुमार और सभी पूर्व सैनिकों का प्रभात उपाध्याय, बंशी चौधरी, रशीद जोया आदि के साथ स्वागत अभिनंदन किया। रोहित कुमार भारतीय सेना की 136 पावरफुल मिक्स आर्टिलरी में नियुक्त थे। उन्होंने 19 वर्ष की अपनी फौजी सेवा में पूंछ, राजौरी, अरुणाचल प्रदेश, अनंतनाग, सियाचिन आदि जगहों पर देश के सरहद पर तैनात रहे थे। रोहित कुमार ने नगर आगमन पर नगरवासियों द्वारा किए स्वागत पर अभिभूत हुए व आत्मीय आभार व्यक्त किया। चल समारोह में बड़ी संख्या में पूर्व रिटायर्ड आर्मी के जवान व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज गौरव का विषय है जो हमारे राज की रक्षा करे, हमें सुरक्षित रखे, ऐसे फौजियों के बीच में मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इनके बीच में रहकर जो सुख और शांति, जो स्नेह और प्रेम मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। सारे फौजियों को मैं प्रणाम करता हूँ और इनको नमन करता हूँ। उस ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इन्हें इतनी शक्ति दे कि हमारे देश की रक्षा, हमारे राष्ट्र की रक्षा, हम सब की रक्षा इससे बड़ी ताकत से करें। आज सनावट एक फौज का एक बड़ा हब बन चुका है। लगभग 32 फौजी यहाँ से रिटायर हुए हैं। बाकी में सनावट के लिए गौरव की बात है कि ऐसे वीर सपूतों ने यहाँ जन्म लिया है जो राज के सम्मान के लिए, हमारे विश्वास के लिए, एक आत्मविश्वास की बात है। मैं जैसे जितने भी हमारे ये राज का सनावत तहसील से नीलेश मालाकार की रिपोर्ट।